हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि एसएससी जूनियर इंजीनियर का डोकन वेरिएशन 28 सितंबर से होने वाला है। सेंट्रल जोन का ऑलरेडी स्टेटस आ चुका है, एडमिट कार्ड रिलीज एक हफ्ते बाद आपका हो जाएगा। तो बाकी रीजन का भी आपका डेट जो है आज तक नहीं तो कल तक आ जाएगा। तो मुझे कुछ स्टूडेंट ने इतना कमेंट किया था, इतना मतलब कॉल किया था कि सर एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में जो क्रूशियल डेट या कट ऑफ डेट है उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने दो तीन मतलब स्टाफ से भी बात किया था और जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मेरे टाइम में जब डीवी हुआ था तब भी मैंने जितने स्टूडेंट से हुआ बात करने की कोशिश किया था, तो उन्होंने जो बताया उसके ऊपर ही मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि आपका डेट का जो इशू है वो क्या होने वाला है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना, और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे चैनल में जो भी नया वीडियो आए उसका हर एक नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। पहले मैं बात करूंगा एससी और एसटी सर्टिफिकेट के लिए। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। आपका फॉर्मेट ये एसएससी की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, या तो आप जो आपका नोटिफिकेशन जो ऐड आया था तो उससे भी आप निकल सकते हैं, नहीं तो आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाना। उसके बाद जो है कैंडिडेट कॉर्नर में चले जाना, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेट फॉर सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वहाँ से आप जो है जो भी आपका सर्टिफिकेट नीड है वो आपको मिल जाएगा, तो उससे आप डाउनलोड करके जो है निकाल लेना अगर आपके पास जो है यही फॉर्मेट में अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो। अगर मन में कोई भी डाउट है, देखिए एक काम कर लेना, देखिए एक दिन का काम है, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा आपका। अगर आपके पास अगर ऑलरेडी एससी एसटी का सर्टिफिकेट है तो, और आपको लगता है कि जो है आपका सेंट्रल वाला फॉर्मेट है या नहीं है, मुझे डाउट है, तो मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि आप जो है एसडी ऑफिस चले जाइए और एसएससी की वेबसाइट से ए वाला फॉर्मेट निकल के जो है आप जो है आपका नया वाला आप जो है एक सर्टिफिकेट बना लीजिए। मतलब इसमें एक एक सिग्नेचर करवा के आप जो है ये भी ले जाना, और पुराना वाला तो ज़रूर ले जाना क्योंकि उससे वो भी आपका एक्सेप्ट होगा। लेकिन जो है आप दोनों ले जाएंगे तो जो है आप सेफ जोन में ज़्यादा रहेंगे, लेकिन अगर ऑलरेडी आपके पास सेंट्रल जोन वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा पुराना है, जैसे कुछ स्टूडेंट का मैंने मुझे बताया था कि 2011-12 का इशू डेट है, तो वो सब चलेगा ही नहीं। देखिए चल तो सभी जाएगा, लेकिन उतना पुराना लेके क्यों जाएंगे आप जो है, अभी टाइम है, आप एक नया बना लीजिए या रिन्यू कर लीजिए आपका सर्टिफिकेट, तो उससे जो होगा आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि आपको ही पता है एसएससी का जो स्टाफ होता है, मानता हूँ कि आपके साथ वो लोग जो है थोड़ा फ्रेंडली, मतलब आप लोग को फ्रेंडली फील करे होगा कि वो लोग आपको कोशिश नहीं करेगा कि आपको जो है रिजेक्ट हो जाए, वो लोग आपको हेल्प ही करेगा जितना हो सके, उनसे वो लोग आपको जो है हेल्प करने की कोशिश करेगा। लेकिन देखिए उनको जो आपका ठीक से उतना पता नहीं होता है, क्योंकि देखिए इतना सर्टिफिकेट का इशू है, इतना डेट होता है, तो अगर गलती से भी आपको वहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि आपका ये सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होगा, तो देखिए हालांकि आपको एक हफ्ता या 10 दिन टाइम दे दिया जाएगा, लेकिन आप जो है देखिए अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो एक तो ट्रेन का टिकट ठीक से नहीं मिलेगा, आप जाएंगे सेंटर में उसके बाद फिर से वापस आएंगे, फिर से सर्टिफिकेट बनाएंगे, उसके बाद फिर से जाना पड़ेगा, तो उतना क्यों आप जो है उतना क्यों रिस्क लेंगे। अभी आपके पास ऑलरेडी 10 से 15 दिन है, अभी जाइए और जो है आप जो है एसडी ऑफिस में एक या दो दिन का मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 दिन लगेगा, उससे पहले आपका जो है सर्टिफिकेट बन जाएगा अगर आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है। तो इसीलिए कह रहा हूँ आप रिस्क मत लीजिए, आप एक नया वाला सर्टिफिकेट बना लीजिए, लेकिन जिसके पास अभी लेटेस्ट वाला सर्टिफिकेट और सेम फॉर्मेट में है तो कोई बात नहीं है। जैसे डिजिटल वाला जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चल जाएगा डिजिटल वाला साइन जिसके पास भी है, लेकिन साइन चेक कर लेना आपका। यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिसर का रैंक लिखा हुआ है, यहाँ पर डीएम कर सकता है, आपका डीएम कर सकता है, चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं, एडीएम कर सकता है, एसडीओ मतलब एसडीओ कर सकता है, तहसीलदार से कम रैंक वाला जो है अधिकारी जो है वो नहीं चलेगा, उससे ऊपर वाला चलेगा लेकिन उससे कम वाला नहीं चलेगा। तो ध्यान रखना और देखना कि जो है आपके सर्टिफिकेट में सिग्नेचर सील वगैरह ठीक से मेंशन हो, डेट ठीक से मेंशन हो, और आपका जो फोटो लगेगा उसके ऊपर जो है आपका अटेस्टेड होना चाहिए, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना।
तो ये तो गया आपका SC ST सर्टिफिकेट के बाद। तो उम्मीद है कि आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, डेट का कोई इशू नहीं है, सब चल जाएगा और मैं प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा आगे। अब बात करेंगे OBC के बारे में। OBC के लिए भी देख लीजिए, आपका SSC की वेबसाइट में सेम फॉर्मेट है, फॉर्मेट आप लोग देख लीजिए। आपका OBC के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डेट चल जाएगा। देखिए, मेरा जब DB हुआ था तब एक इशू था कि आपका जो है पहले होता था 2017 से पहले कि आपका OBC का सर्टिफिकेट जो है 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और आपका जब मतलब फाइनल आप ऑनलाइन सबमिशन करते हैं आपका एप्लीकेशन, जब आप ऑनलाइन फिल करते हैं एप्लीकेशन एग्ज़ाम के लिए, तो उसके बाद से लेके 6 महीना के ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए उसका जो डेट है। तो इस बीच में आपको जो है सर्टिफिकेट बनाना होता था। तो अभी जो है उसका सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो उस ऑर्डर से क्लियर हो चुका है कि आपका जो है डेट के कोई इशू नहीं है। देखिए, हो सकता है कि अगर आपके पास, मैंने जैसे SC ST के लिए कहा कि अगर आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है 2-3 साल पुराना, तो अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप जो है मन में अगर डाउट है तो आप एक जो है इस फॉर्मेट को निकाल के जो है इसमें भी सिग्नेचर करवा लेना। दोनों लेके जाना क्या दिक्कत है, 1-2 दिन का अगर मेहनत कर लेंगे तो आपको जो है बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप जो है अभी से लेजी फील करने लगेंगे तो अगर आपका जो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो जो है बाद में दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ अभी टाइम में आपका कोई भी डेट का चल जाएगा, डेट का कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ज़्यादा पुराना होगा, अगर 2015, 2014, 2013 का होगा, उतना पुराना आप ही सोचिए, क्योंकि 5 साल 7 साल पुराना डॉक्यूमेंट जो है उसका वैलिडिटी तो रहता है। लेकिन वो लोग जो है SSC ऐसे ही बोलेगा कि इतना पुराना क्यों लाया, नया वाला लाइए, तो फिर से आपको वापस भेजेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ अभी जो है दोनों ले जाना। देखिए, अगर 2015 वाला आपके पास होगा या 2014 वाला आपके पास होगा वो भी ले जाना, और अभी नया वाला जो बनाया है आपने वो भी ले जाना। और अगर आपके पास अभी कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं है, बस इस फॉर्मेट को ले जाइए, इसमें जो है आप सर्टिफिकेट बना लीजिए, एक सर्टिफिकेट से भी काम चल जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं कि दोनों ही ले जाना पड़ेगा, आपके पास जो होगा चल जाएगा। बस आपका जो है फॉर्मेट सेम होना चाहिए, फॉर्मेट आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में देख लेना, और सिग्नेचर सील वगैरह ठीक से होना चाहिए। बस मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ जो आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। यहाँ पर डेट देख सकते हैं, 2017 का आपका डेट था। उस टाइम एक सुप्रीम कोर्ट में एक मतलब केस डाला गया था, तो जिसमें अब्दुल रशीद करके जो है उसने केस लड़ा था। तो आपका पहले क्या होता था, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है आपका जो है OBC सर्टिफिकेट का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट का जो है डेट इशू जो है 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड अप टू द 180 डेज आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन वुड बी एक्सेप्टेड बाई द कमीशन। ये पहले रूल्स था, लेकिन अभी जो है देखिए इसके बाद यहाँ पर क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि जो है स्टूडेंट को प्रॉब्लम फील होता था कि आपका जो है किस फॉर्मेट में बनाना है, डेट का क्या इशू है, तो इसलिए प्रॉब्लम होता था। इसलिए जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया गया था। तो उसका जो है उसके बाद केस का रिपोर्ट आया है, और यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक आया है मैटर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अब्दुल रशीद, जो आपका DOPT की तरफ से था। तो उसमें जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है विद इफेक्ट द 23rd Jan 2017 आपका जो है द कमीशन विल नॉट इंसिस्ट ऑन कैंडिडेट प्रोड्यूसिंग OBC सर्टिफिकेट इशूड विद इन कट ऑफ डेट्स दैट इज 3 ईयर्स बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड अप टू द 180 डेज आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन मेंशन इन द नोटिस। मतलब आप SSC आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको जो है इसी डेट में आपको जो है सर्टिफिकेट बनाना है। तो इसीलिए कह रहा हूँ डेट का कोई इशू नहीं है, डेट के लिए बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल परेशान नहीं होने का कोई बात नहीं है, जो भी डेट है आपका चल जाएगा। तो आपको जो है एक काम करना, ये वाला आपका जो नोटिस है ये भी आप प्रिंट आउट लेके आप जाना। अगर आपके पास OBC सर्टिफिकेट है तो इसका प्रिंट आउट आप एक कॉपी लेके जाना। अगर वो लोग कोई प्रॉब्लम करता है तो आप दिखा देना कि सर डेट का तो इशू यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ हो सकता है, जैसे अगर उनको लगता है कि जो है डेट वगैरह कोई प्रॉब्लम वो लोग अगर फील करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है आपका, देखिए जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पर देखिए 2 आदमी रहता है, एक आपका ओरिजिनल चेक करता है
और दूसरा जो है वो कंप्यूटर में बैठा रहता है, कंप्यूटर में जो है वो आपका डाटा जो है एंट्री करता है। तो तब जो है लास्ट में जाके आपको एक मतलब प्रिंट आउट मिलेगा जहाँ पर आपको सिग्नेचर करना पड़ता है। तो वो सब के लिए मैं बाद में बात करूँगा जब एडमिट आएगा, कि आपको जो है ठीक से देखना पड़ेगा, पूरा रीड कर लेना कि जो है ठीक से सब कुछ डाटा जो है ठीक है या नहीं। तो आप जो है तो उस टाइम जो है वहाँ पर एक रिमार्क रहता है आपका जो है प्रोफेशनल और आपका जो है क्लियर, तो इसके लिए पी और सी लिखा रहेगा। अगर सी लिखा रहेगा तब जो है आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पूरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे के लिए, आप जो है कोई इशू नहीं होने वाला है। लेकिन प्रोफेशनल इसीलिए लिखता है कि अगर आपका उनको लगता है कि आपका SSC इनको अगर लगता है कि आपका सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है, उनको कोई डाउट फील होता है, तो जो है प्रोफेशनल के लिए वो लोग आपका पी लिख देता है। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए वो लोग जो है करता क्या है, SSC प्रोफेशनली आपको जो है आगे के लिए भेज देगा और डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ देगा कि डिपार्टमेंट अब क्या करेगा। डिपार्टमेंट का कोई इशू नहीं होता है, डिपार्टमेंट में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि प्रोफेशनल कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया है। वो लोग जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तब फिर से आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो सबके लिए होता है। तो तब जो होगा आपको जो है डिपार्टमेंट आपको कहेगा कि आप जो है एक फिर से एक OBC सर्टिफिकेट ला के मुझे दीजिए, नहीं तो जो है पुराना वाला ही मुझे दीजिए फिर से। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, डेट का कोई इशू नहीं है। अब बात करेंगे EWS के लिए। EWS के लिए इतना कमेंट आया था, EWS के बहुत सारे इशू है। जैसे फर्स्ट तो कट ऑफ डेट के लिए है, देखिए आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियरली देख लीजिए, ये आपका जो है 2018 का जो है नोटिफिकेशन है, उसका नोटिफिकेशन है आपका ए वाला, आपका 2018 का SSC JEE का जो नोटिफिकेशन है। इसमें आप मुझे यहाँ पर दिखा दीजिए यहाँ पर कोई कट ऑफ डेट है या नहीं। आपको अगर डेट के लिए कहता है कि जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले आपका डेट होना चाहिए था, तो आप जो है साफ साफ नोटिफिकेशन आपके ए वाला पेज आप लोग प्रिंट आउट करके ले जाना और उनको कहना, पेज नंबर 7 आपको मेंशन कर देता हूँ, 6 और 7 दोनों आप जो है प्रिंट आउट करवा लेना और कहना कि आप मुझे डेट दिखा दीजिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का पहले आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए या नहीं, अगर होगा तो मैं आपको दे दूंगा, ये बात कहना। दूसरी बात जो है, देखिए 2018 की लास्ट और 2019 की फर्स्ट में जो है आपका EWS का जो है पार्लियामेंट में उसका बिल पास हुआ था और वो जो है एक्ट बन के आ चुका है। तो तब जो है ज़्यादातर स्टूडेंट को पता ही नहीं होता था। ऊपर से जो है आप अगर अभी भी, जैसे मेरा एक दोस्त से बात हुआ, उन्होंने जो है EWS सर्टिफिकेट हाल ही में बनाया है, तो लगभग 2 महीना लग जाता है EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो आप खुद सोचिए कि फेब्रुअरी में आपका नोटिफिकेशन आया था 2019 के, तो तब जो है आपको तो EWS सर्टिफिकेट के प्रोसेसिंग वगैरह जो है सब स्टेट में स्टार्ट नहीं हुआ था, तो जो है आपका लेट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्रैल में बनाया है, किसी ने जो है अभी तक नहीं बनाया है, 2020 में बना रहा है। तो कहूँगा जितना जल्दी हो सके बना लीजिए, लेकिन डेट का कोई इशू नहीं रहने वाला है। अगर कोई प्रॉब्लम फील करते हैं तो आप जो है वाला नोटिस दिखा देना, और ऊपर से मैंने जो कहा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, वो लोग एक्सेप्ट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोफेशनली सिलेक्ट करेगा और कुछ नहीं है। तो वो प्रोफेशनल के लिए घबराना नहीं है, प्रोफेशनल के लिए भी आपको ज्वाइनिंग मिलेगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो उसके लिए भी घबराने के लिए कोई बात नहीं है। तो EWS के डेट का इशू मुझे लगता है कि आपको अभी कोई डाउट नहीं रहेगा। अब बात करेंगे EWS की जो वैलिडिटी है, जैसे 1 साल के लिए वैलिडिटी रहता है EWS सर्टिफिकेट के लिए, तो किसी का जो है वैलिडिटी ख़त्म हो चुका है, जैसे 2019 में जिन्होंने बनाया था उसका अभी जो है लगभग ख़त्म हो जाएगा, तो वो लोग अब क्या करेंगे। तो उनके लिए मैं कहूँगा आप पुराना वाला भी ले जाना और अभी तुरंत जाइए और नया वाला एक इस साल के लिए बना लीजिए, 2020 के लिए भी एक आप जो है EWS सर्टिफिकेट बना लीजिए। आपका अगर पुराना वाला देखना चाहेगा तो पुराना वाला दिखा देना, और अगर बोलेगा कि नहीं नया वाला दिखाइए तो नया वाला दिखा देना। बस आपके लिए इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, आप जो है दोनों बना लीजिए, क्योंकि है सेफ जोन में। मैं नहीं चाहता कि आपको जो है फिर से वापस आना पड़े, तो इसलिए कह रहा हूँ कि SSC का कोई भरोसा नहीं है, SSC आपको ठीक से गाइड नहीं करेगा, तब जो है आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप जो है अभी से जो है बना लीजिए। तो EWS का सर्टिफिकेट का भी कोई इशू नहीं है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। और मुझे कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर जो आपका टोटल वैकेंसीज है शायद 101 है या 106 है, मुझे ठीक से याद नहीं है, EWS के लिए मैं कह रहा हूँ टोटल, तो आपका जो है गवर्नमेंट का रूल्स तो कहता है कि 10% होना चाहिए, तो उसके हिसाब से तो आपको जो है 185 आपका वैकेंसीज होना चाहिए था, तो 101 क्यों आया। तो पहले तो मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए 101 जो वैकेंसी आया है, जब आपका
एसएससी जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन आया था, तब जो है ईडब्ल्यूएस का कोई मतलब तब शुरुआत था, कोई बिल जो है एक्ट में शायद कन्वर्ट भी नहीं हुआ था, इसलिए जो है तब वैकेंसीज भी नहीं दिया गया था। आपका जो एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में टेंटरी वैकेंसी जारी किया गया था, उसमें ईडब्ल्यूएस का कोई भी वैकेंसीज नहीं था, लेकिन फाइनल वैकेंसीज में आपको 100 से ऊपर 101 या 106 जो वैकेंसीज है वो दिया गया है। तो इसलिए कहूँगा कि शायद इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए जो नहीं दिया गया है। और ये भी हो सकता है कि आपको ही पता है, आपका जो गवर्नमेंट है कुछ कहता कुछ है होता कुछ है, जैसे आपको 2 करोड़ नौकरी अभी तक नहीं मिला, तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो है उसके लिए मत सोचना है। हाँ, अगर आप जो है कहने जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, केस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है हम लोगों को। आपका जो है जो भी वैकेंसी है वही ले लीजिए, अगर आपका मार्क्स जो है जनरल कट ऑफ से ऊपर है तो जनरल का वैकेंसी भी आपको मिल जाएगा। कोई कल एक वीडियो देखा जिसमें किसी ने कहा कह रहा था कि जनरल के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे जनरल वैकेंसी के लिए, जो लोग ओबीसी से या आपका एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस से जो लोग जनरल कट ऑफ मतलब जनरल कट ऑफ क्रॉस कर चुके हैं, वो लोग आपका जनरल का जो है वैकेंसी नहीं ले पाएंगे। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, आपको पता होगा कि लगभग 450 के आसपास जो है जनरल कैंडिडेट को बुलाया गया है, योर कैटेगरी को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और आपका लगभग 800 से प्लस आपका वैकेंसी जो है जनरल कैटेगरी में है। तो आपको क्या लगता है कि आपको इतना कम स्टूडेंट बुलाएगा? आपको ओबीसी में जो स्टूडेंट बुलाया गया है तो क्यों बुलाया गया है? ओबीसी में इसलिए बुलाया गया है कि ओबीसी में आपका जो है 1600 शायद बुलाया गया है। तो इतना स्टूडेंट क्यों बुलाया गया है? क्योंकि देखिए, लगभग 700 के करीब जो है आपका स्टूडेंट जो है जनरल कैटेगरी से पास कर चुके हैं, तो वो लोग को जो है अगर उनका मार्क्स जो है जनरल का जो कट ऑफ रहेगा उससे ज़्यादा आएगा तो उनको जो है जनरल वाला वैकेंसी मिल जाएगा। तो इसके लिए भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। जो कि कल एक वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि जो है इस बार का जो जनरल का वैकेंसी है वो कैरी फॉरवर्ड होकर बाद में आपका ऐड हो जाएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार जो है जितना वैकेंसी है सब फिल होने वाला है, तो उसके लिए भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो ये तो ईडब्ल्यूएस का पूरा बात किया है। अब बात करेंगे आपका हैंडीकैप, फिजिकल हैंडीकैप के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका भी फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए, आपका इसी फॉर्मेट में आपका सिग्नेचर वगैरह होना चाहिए, फ़ोटो में आपका जो है आपका सिग्नेचर होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए, तो ये देख लेना। तो इसके बारे में भी, इसका भी डेट का कोई इशू नहीं है, डेट वगैरह के चक्कर में मत जाना, डेट का कोई इशू नहीं, कोई सा भी डेट चल जाएगा, बस फॉर्मेट सेम होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको जो है आपका डेट का जो इशू था तो वो क्लियर हो चुका होगा, डेट का अभी कोई इशू नहीं रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। आप देखिए, वीडियो को अगर ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचेगा, और जो लोग अभी से फील कर रहे हैं या आपका पैनिक हो रहा है कि क्या होने वाला है, देखिए पैनिक होने की कोई बात नहीं है। आप लोग ऑलरेडी 2 पड़ाव या 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं। लास्ट स्टेज में मानता हूँ कि थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि जो है स्टूडेंट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में उतना नहीं सोचता है जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन देखिए, आपका उतना कुछ इशू नहीं है, अगर आपका सब कुछ लीगल है तो डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ परेशान मत होइए, आपका जितना डॉक्यूमेंट्स है आप अभी से रेडी कर लीजिए। और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पर जो है एसएससी जूनियर इंजीनियर का जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है मेंस का, वो लोग जो है आपका जुड़े हुए हैं, तो उससे आपको बहुत सारे आपका जो है आपस में डिस्कस हो सकता है। और देखिए, कल तक आपका मार्क्स जारी हो जाएगा, तो मैं तो वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर भी कि मार्क्स जब आएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग जो है आपका मार्क्स मुझे शेयर कीजिएगा, ताकि मैं जो है, देखिए मेरे ऑलरेडी आपका कट ऑफ के ऊपर वीडियो है, लेकिन तब जो है 1600 के करीब जो वैकेंसीज था, लेकिन अभी 250 इंक्रीज हो चुका है, तो उससे जो है कट ऑफ में भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो उसके लिए मैं फिर से एक बार कट ऑफ एनालिसिस करूँगा, तो आप लोग जो है मार्क्स मुझे शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। और जो लोग बीआरओ के लिए घबरा रहे हैं कि बीआरओ के मेडिकल में क्या होने वाला है, तो मैं बीआरओ के लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल में जाके देख लीजिए। उससे अच्छा वीडियो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना आपका डिजीज़ वगैरह होता है सबका मैंने क्लैरिफिकेशन वहाँ पर दिया है, चाहे वो आँख के रिलेटेड हो, चाहे वो आपका कोई बीमारी हो, सबके बारे में मैंने क्लियरली वहाँ पर कहा है। तो उसका भी लिंक मैं दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और आइकन बेल आइकन में भी दे दूँगा। और आपका जो है, जो लोग अभी से परेशान हो रहा है कि सैलरी क्या होने वाला है, यूट्यूब में
आज तक किसी ने सैलरी स्लिप के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, तो मेरे चैनल में आपको एसएससी जूनियर इंजीनियर सीपीडब्ल्यू की सैलरी स्लिप मिल जाएगा, तो वो आप ज़रूर देख लेना। और आपका एसएससी जूनियर इंजीनियर का जो लोग सीपीडब्ल्यू ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी एक नोटिफिकेशन आया था कि जो है उनका ट्रेनिंग पीरियड इंक्रीज हो चुका है, तो उसके ऊपर भी मेरा चैनल में ऑलरेडी वीडियो है जिसका लिंक मैं सबका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत। आप लोग जो है मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।